मतलब बहुत अच्छा बना दिया यार मैंने, लेकिन भाई हद से ज़्यादा। देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना भाई, ये आर्ट है यार, ये भी एक कला है भाई, क्या बना रहा हूँ भाई। राम राम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एज यू नो, और भाई मैकडोनल्ड्स, भाई मैकडोनल्ड्स हम बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई बहुत इजी है यार बनाने में, ठीक है, आप मेरे से इसे देख के भी बना सकते हो, ठीक है, और बहुत मज़ेदार है। और भाई आप कमेंट कर देना कि क्या क्या कौन सा गेम खेलूं और क्या चीज़ बनाऊं। आप बोलोगे तो KFC है ना, नासा वासा का जितना भी है बिल्डिंग विल्डिंग, मैं सब बना दूंगा माइनक्राफ्ट में, आप सिर्फ कमेंट करो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, अगर नहीं लगे तो मत करना, बस वीडियो एंड तक देखो, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कुछ भी कह देना, ठीक है, कि ये अच्छा नहीं लगा, ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मिस्टेक किधर है, ठीक है। तो भाई ये मतलब ब्लॉग ब्लॉग डालने में इतना भाई झंझट होता है ना कसम से, कभी कभी तो भाई 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, और लास्ट में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा वॉइस अलग आएगा, तो माइंड मत करना तुम लोग, क्योंकि जानते हो यार इतना भाई फोकस करना पड़ता है ना भाई, कुछ मतलब एक बार में नहीं बनता यार। लोग समझते हैं कि भाई एक बार में बना लिया, गेम खेल रहा है गेमर है तो भाई एक बार में गेम में बना लेता है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। गेम खेल रहा हूँ तो भाई समझ आने मतलब दिमाग चलाना पड़ता है यार, समझ रहे हो, हर एक चीज़ में भाई फोकस चाहिए, कौन चीज़ क्या कैसा लगेगा, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही है, और ऐसा ही है भाई, बिल्डिंग विल्डिंग बनाते रहे हैं और मौज मौज काटते रहे हैं। ये भाई किसका डायलॉग है कमेंट में कर देना, ठीक है, तो ऐसा ही है, अपनानू ही है, क्या करें, कोई नहीं, डायलॉग वाले डायलॉग वायलॉग मारते रहे हैं और वीडियो वीडियो बनाते रहे हैं, तो ऐसा ही है भाई। भाई मैं कितना बार बोलूँगा ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई नहीं, सही है। तो भाई ये हम लोग अभी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या डाल रहे हैं क्या है, बोल रहा हूँ भाई। तो भाई अभी मैं ग्लास लगा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई मतलब इसमें देखो ग्लास ना मतलब अच्छा है यार, मतलब तुम अगर चाहो तो, अगर मैं चाहूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब माइनक्राफ्ट खेलते खेलते कि अगर मैं चाहूँ तो रियल घर भी बना सकता हूँ भाई, क्या है इसमें भाई, मैं ही बना दूँ यार घर वर, तो ठेका का काम कर लूँ क्या मैं, लेकिन सही में यार मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा माइनक्राफ्ट मतलब गेम, ये मतलब ये गेम जब मैं स्टार्ट करा ना, मतलब फर्स्ट में तो भाई बहुत दिक्कत हुई, 4 5 6 घंटे लगा के फोकस करके, मेरे को लगता था कि भाई मैं कार्ड कट कर दूंगा ना तो भाई ये घर फिर से बनाना पड़ जाएगा, तो ऐसा समझता था मैं, लेकिन ऐसा नहीं भाई, आप पॉज करके फिर से 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी बना सकते हो, और मेरे वो मालूम नहीं, ठीक है, तो मैं समझता था कि नहीं भाई एक बार में ही बनाना होता है, तो फोकस करके 6 घंटे 7 घंटे लगा रहता था भाई। कोई नहीं भाई, ज़िंदगी से मैं हर एक दिन ही कुछ सीखता हूँ, मतलब एक गाना है ना तलागा भाई। और हाँ तुम लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि भाई तुम लोग किसके फ़ैन हो, मतलब पाकिस्तानी है रैपर्स या अपने रफ्तार बादशाह, भाई मेरे को तो सब अच्छे हैं भाई, सभी अच्छे हैं, कृष्णा बादशाह रफ्तार मेरे को बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन तला अंजुम भाई, तला अंजुम है भाई, तला अंजुम ही सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिस भी अच्छा है, यूनिस भी अच्छा है, लेकिन तला अंजुम भाई, भाई ये वो बंदा है भाई, भाई वो रैपर है, वो भाई रैपर नहीं, वो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो आर्टिस्ट है सही में, वो रैप नहीं करता भाई, वो फीलिंग बताता है भाई, मैं मतलब एक बताता है आप मतलब मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको पता है भाई, मतलब जितनी भी लड़की है ना उन लड़कों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस वक्त लोगों को तोड़ना है, किस वक्त लोगों को इन्जॉयमेंट देना है, किस वक्त लोगों को आंखों में आंसू आने चाहिए, उसको पता है भाई, तला को पता है, मतलब वो है आर्टिस्ट, उससे बोलते हैं रियल आर्टिस्ट, लेकिन अभी मतलब एक होता है ना रैपर म्यूजिशियन कि हाँ गाना वाना लिया, ठीक है, हाँ मैं वाइब कर रहे हैं, ठीक है, भूल गए म्यूज़िक, भूल गए, हाँ 1 महीने 1 महीना 2 महीने सुन के फिर
फिर आदमी दूसरे म्यूजिक में चल जाता है, लेकिन तलहा नहीं। तलहा का म्यूजिक वैसा नहीं है भाई। सब रैपर को सुन के फिर तुम तलाई के पास आओगे। वो तलहा है, वो आर्टिस्ट है, वो आर्ट है, ठीक है। तो वो एक रियल आर्टिस्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ। लोगों को पता नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला कि भाई मैं आई लव तलहा। उसका म्यूजिक बेस्ट है भाई। बंदा कैसा है मेरे को पता नहीं, रियल मेरे को तो मेरे को जानना भी नहीं है भाई कौन कैसा है नहीं, क्योंकि हम खुद अच्छे नहीं हैं, हम लोग खुद बिगड़े हुए हैं, तो हम दूसरे को क्या देखेंगे कौन अच्छा कौन बुरा, ठीक है। तो मतलब आर्टिस्ट वाइज तला इज गुड, वेरी गुड भाई। लेकिन एक सीन से देखो तो भाई मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ ना यार, मतलब देख रहे हो भाई मैं क्या क्या बना दे रहा हूँ। नहीं भाई मतलब देख रहे हो भाई बंदे की टैलेंट क्या क्या बन रहा है यार अपने आप। मैकडोनल्ड्स बना दे रहा हूँ भाई, क्या टैलेंट है मेरे में भाई। मैं भाई देखो भाई एक बात फैक्ट है कि अपनी तारीफ खुद अपने आप करो, क्योंकि लोग मरने के बाद ही करेंगे तारीफ, आगे नहीं। इसलिए भाई तारीफ अपने आप खुद से करो भाई। किसी ने दूसरे से मुँह से सुनोगे ना तारीफ, तो समझ लेना भाई वो काम निकाल रहा है तुम्हारे से। कोई दूसरा बंदा कर दिया, बंदा ठीक है, एक पर्सन कोई भी ठीक है, इनलाइटमेंट पर्सन छोड़ के कोई भी एक पर्सन होगा जो दुनिया में लगा है, पैसा वैसा कमा रहा है, उसके मुंह से तुम लोग तारीफ सुन ले अपने आप को, तो समझ लो भाई कुछ काम है तुम्हारे से। और उधर कट लो भाई, क्योंकि भाई तो काम निकालने बहुत आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई काम पड़ता है तो भाई सब लोग पलटी मारेंगे कि नहीं यार, सब बिजी रहेंगे भाई, सब बिजी रहेंगे। तुम्हारा जब वक्त आएगा तुम उससे वक्त में हो, सब बिजी बोलेंगे नहीं यार अपने आप ऐसा है वैसा है। अबे यार दुनिया भाई, अभी के बंदे जो है ना, अभी के जो भी बंदे हैं यंग 18 17 साल के, वो लोग मतलब जल्दी, अभी के बच्चे लोग हैं ना, मैं बच्चे वो लोग का बात करता हूँ, 8 9 साल के बच्चे लोग, वो सीख चुके हैं भाई क्या है लाइफ। क्योंकि उस ये भाई कलयुग है, कलयुग ने सिखा देता है भाई बच्चे लोगों को, पता है कि कौन दोस्त अच्छा है कौन दोस्त बुरा है। अपने टाइम में क्या होता था भाई, आई एम 18 ईयर ओल्ड, ठीक है, अपने टाइम में क्या होता था कि भाई चिल है भाई, सब दोस्त है सब बंदे हैं। लेकिन अभी के टाइम में भाई बच्चे लोग भी दुश्मन बन चुके हैं भाई, मारपीट पे उतर आए हैं, फ्री फायर ये वो पबजी पबजी, और इसी सीन मतलब तुम रिवाइव नहीं करोगे। मेरे भाई मेरे घर के पास एक बंदा है, ठीक है, वो कितना 8 साल का है, ठीक है भाई, भाई दो लोग लड़ रहे थे भाई, सर्वर फोड़ दिया साला एक ने, और मैंने भाई जाके पूछा रुका क्या हो रहा है, तो भाई क्या बोल रहा है कि भाई इसने मेरे को रिवाइव नहीं किया भाई। मैं खुद पागल हो गया, मैंने कहा भाई पागल है क्या, रिवाइव नहीं किया था तू मार रहा है इसको भाई, क्या करें। कलयुग ऐसा स्टार्ट है भाई, कोई नहीं खुद भाई, एक सीधा मौत का डायलॉग है ना, मेहनत से पैसे बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वक्त अपने चाहने वाले के साथ बिताओ, पहले खुद ऊपर जाओ फिर दूसरों के लिए राह बनाओ, ठीक है। इट्स ट्रू, लोग भाई स्मोकर को बोलते हैं कि भाई ये बिगड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस चलता है ना, वो नॉर्मल इंसान का नहीं चलता भाई, कसम से। जो भाई अब सीधे मौत को देख लो, नेपाल में 5 55 को देख लो, चिराग सिंह खड़का AK-5, उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस चलता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है, वो दुनिया से अलग सोचते हैं स्टोनर लोग, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या नशेड़ी गंदेड़ी क्या बोलते हैं, ठीक है। बस यही है भाई, मेरे को तो सीधे मौत का ये डायलॉग बहुत सही लगा था भाई, जब मैं म्यूजिक सुन रहा था उसका 11K क्या था भाई, मेरे को बस मस्त लगा भाई। मेहनत से पैसे बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वक्त अपने चाहने वालों के साथ बिताओ, पहले खुद ऊपर जाओ फिर दूसरों के लिए राह बनाओ, ये भाई ये गुड मैसेज है, ठीक है। लोग भाई बोलते होंगे रैपर भाई मतलब स्मोक करता है, वीड वीड पीता है, सड़ी भाई मन साफ होना चाहिए, तुम कुछ भी पियो, ठीक है, कुछ भी पियो भाई, लेकिन मन साफ रखो, अच्छा सोचो, सभी के बारे में सोचो, ये नहीं कि भाई मैं मरूँ मतलब
भाई लोग अभी, मतलब पहले के लोग क्या सोचते थे, अभी के भाई जनरेशन बहुत सही है भाई, कलयुग है लेकिन सही है, ठीक है। दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, जो भी स्टोनर है भाई, दूसरा भी मतलब अच्छा खाए अच्छा लाए ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसे मत सोचो कि भाई मरते वक्त तक मैं ही रोलेक्स घड़ी पहनूंगा, मैं ही मर्सिडीज चढ़ूंगा, ये नहीं भाई। तुमको खुदा ने, भगवान ने जो दिया है उससे खुश रहो, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बांटो, लोगों को करो, ते हेल्प करो, मैं तो यही कहूँगा भाई। प्यार करो भाई लोगों से, क्योंकि लोग भी प्यार करेंगे अगर तुम प्यार करोगे तो। लोग क्यों बोलते हैं कि भाई ये जलता है मेरे से, भाई उसके हिसाब से देखो ना तुम, बेचारा वो कहाँ है ना। अगर तुम उसको कुछ करोगे है ना, अच्छे से बात करोगे, तो वो भी अच्छा ही होगा ना बंदा। भाई सब बंदे अच्छे हैं यार, सब बंदे अच्छे हैं, लेकिन तुमको पहले अच्छा होना पड़ेगा, तुमको अच्छे से बात करना पड़ेगा, इस तब वो लोग भी कहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे बर्ताव करेंगे, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ भाई, सब दुनिया अच्छे है, अगर तुम अच्छे से बात करोगे, अच्छे से सभी को फीलिंग शेयर करोगे, अच्छे से सब करोगे, तो भाई लोग भी अच्छे ही बर्ताव करेंगे तुम्हारे साथ। बस यही है भाई, वीडियो भाई देखो भाई, बात करते करते अगर आप वीडियो बनाओगे ना, बहुत आसानी से बन जाएगा भाई, वक्त कब बीत देगा भाई पता ही नहीं चलेगा भाई। ऐसा ही है भाई, बात करो यार लोगों से, बात ही नहीं कर रहे हैं लोग, चुपचाप बैठे हुए हैं, तब बोल रहे हैं कि भाई ये डिप्रेशन में जा रहा है। अबे भाई बात करो यार लोगों से, कुछ भी बात करो, फीलिंग्स शेयर करो, क्लोथ से, अपनों से, अपनों से नहीं भाई, दोस्तों भाई, अभी कोई कोई दोस्त बना होगा ना, उन लोग से ज़्यादा फीलिंग्स शेयर करो, क्योंकि वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ा देंगे, वो इससे से बात करो। मैं तो यही कहता हूँ भाई, अपनों से करोगे वो दिल में रखेंगे, उनको मज़ा आएगा, ठीक है। कोई कोई भाई, मैं यही नहीं कहता कि सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, कोई कोई होते हैं भाई, 100% में 95% लोग अच्छे हैं, 5% होते हैं भाई चूतिया, चूतिया काटने के लिए पैदा होते हैं वो लोग, ठीक है। तो 5% पता नहीं क्या, पता अपने सर्कल में वो 10 बंदे में एक बंदा होता है वैसा। तो अगर आप बचपन से किसी को जानते हो, उससे बहुत क्लोज रहना, अभी अभी कोई दोस्त बनाया है तो उससे बात करो, अगर वो बात करते हुए आप पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, तो भाई गलत है। मैं तो ये भाई देखो भाई, अपना अपने हिसाब से जियो भाई, मैं तो कहूँगा चिल रहो, मस्त रहो, दुनिया में मज़े करो, नो टेंशन, टेंशन जब लगे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, है ना, योगा करो, बस यही है भाई लाइफ। अपना भाई देखो भाई, मैं ऐसा ही हूँ मैं, देखो भाई मेरे चैनल में सिर्फ गेम नहीं, मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। मैं मोटिवेट भी करता हूँ लोगों को, देख देख मोटिवेशन देता देता, देखो मैकडोनल्ड्स के बिल्डिंग रेडी, देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना भाई, ये आर्ट है यार, ये भी एक कला है भाई, क्या बना रहा हूँ भाई मैं, मेरा जवाब नहीं भाई, कसम से ये क्या बना दिया मैंने भाई, वाह वाह ब्यूटीफुल, ये भाई ये तो मैं ही बना सकता हूँ भाई, कोई वो नहीं बना सकता। अगर आप बना सकते हो तो भाई आप मेरे को मेंशन करो, चलो ये बना के मेंशन करो, ठीक है, और चलो इंस्टाग्राम में टैग करो मेरे को ये बना के भाई। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करो, और कैसा लगे, मतलब बहुत अच्छा बना दिया यार मैंने, लेकिन भाई हद से ज़्यादा, लाइक से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए सबको बाय बाय भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना।